Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिला की एंटी नारकोटिक सेल टीम ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए 53,200 नशीली प्रतिबंधित गोलियों व 384 बोतल देसी शराब बरामदगी मामले में मुख्य सप्लायर को काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी उप निरीक्षक दाताराम ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ सेठी पुत्र जगसीर निवासी रघुआना के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से नशीली गोलियों के नेटवर्क के बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी और जो भी इस धंधे में संलिप्त पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीती 14 जनवरी 2021 को एंटी नारकोटिक सेल की एक पुलिस टीम ने बड़ागुड़ा क्षेत्र में मोटरसाइकिल रेडी सहित 3 लोगों को काबू कर उनके कब्जे से 53,200 नशीली गोलियां व 384 बोतल देसी शराब का जखीरा बरामद किया था। सेल के प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान बिट्टू पुत्र गुरमेल सिंह, कमलदीप पुत्र जंटा सिंह व रंजीत सिंह पुत्र मल सिंह निवासियां गांव रघुआना जिला सिरसा के रूप में हुई थी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सप्लायर समेत सभी लोगों के खिलाफ थाना बड़ागुड़ा में मादक पदार्थ व आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरू कर दी है।